बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर नेशन। सो गाइज आज ना भाई अभी जा रहे हैं दिल्ली वापस, और अभी ना बैग पैक कर दें, सबसे पहले आपको बाहर निकल के बताते हैं यार। हाँ ठीक है, और जो टाइम हो रहा है भाई वो 4:04 हो रहे हैं, और अभी हम यहाँ से अपने होटल से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, निकल चुके हैं भाई। और जो हमारे साथ है बंदे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ तो अपनी जा रही है विकेटी भाई की बेताल जो कि गोरी पीछे, और ये रही भाई अपनी XT जो कि सामने से लुक चेक कराता हूँ आपको, फुल खतरनाक। और ये रही एक्टिवा, और ये रही दूसरी डेविल। तो भाई अभी यहाँ से निकलेंगे सीधे मथुरा के लिए। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मथुरा, जो कि रहने वाला है 23 किलोमीटर, और 23 किलोमीटर भाई, और टाइमिंग दिखा रहा है मैप में 40 मिनट, मतलब भीड़ भी है, तो देखते हैं यार 40 मिनट लगते हैं या ज़्यादा लगते हैं। मैप लगा रखा है विकेटी भाई ने। सीधा चलना पड़ेगा हमें यहाँ से। अपन तो यहीं से निकल जाएंगे भाई, जब विकेटी भाई ने पहने लगा के वहाँ से निकाल दी तो हमारी स्कूटी तो फिर भी यार निकल जाएगी। और यार अभी से ये जो परिक्रमा करते हैं ना, वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं बंदे, मतलब हमने तो यार कल एंड कर ली थी, और जो आज भाई सुबह सुबह दर्द हो रहे हैं ना पैर, बहुत दर्द कर रहे हैं भाई, चला भी नहीं जा रहा ढंग से, सच में कह रहा हूँ, लेकिन कर ली भाई हमने कैसे ना। और यहाँ से हमने राइड स्टार्ट करी थी, जो कि ये सामने छोटी परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से हमने प्रारंभ करी थी और एंड आगे से हुई थी अप्रॉक्स। भाई अभी भी देख रहे हो कितनी क्राउड है, अमेजिंग भाई अमेजिंग, मतलब बहुत ही क्राउड है यार। ओहो जो खाली रोड मिलता है ना उसे खींचने में मज़ा आता है, अल्टीमेट मज़ा आता है भाई अल्टीमेट। और आपको सामने मंदिर दिखाता हूँ भाई, कितना अच्छा वो कर रखा है, लाइटनिंग कर रखी है मंदिर की, ये देखो। श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर है, और भाई लाइटनिंग बहुत ही अमेजिंग लाइटनिंग कर रखी है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमने भाई मंदिर के आसपास ही अपना होटल ले रखा था, क्योंकि हमने रात को भी भाई एक्सप्लोर करा काफ़ी। ये देखो आरती हो रही है शायद, आप समझ सकते हो भाई अभी 4:18 हो रहे हैं और ऐसी भीड़ भाई, और वो भी गुरुकुल में। अरे रेल लग गई, आंटी कह रही हैं एंटक वालों की रेल लग गई, और बल्कि भाई हमारी डिसाइड जो हुए थे ना वो 10 बंदे डिसाइड हुए थे, हमने सोचा कि भाई 10-12 बंदे आएंगे राइड पे, लेकिन जो प्रॉपर आए उसमें 6 बंदे आए, और 6 बंदे आए प्रॉपर, एक पिलियन था उसमें से, मतलब 5 हमारे पास गाड़ी थी, और उसमें से 3 एंटॉक, 1 एक्टिवा और 1 N160 भाई। तो भाई वहीं रुक गए हैं, कह रहे मेरे को तो सोना है, नींद आ रही है बहुत तेज, तो हम उनको वहीं छोड़ के आगे। तो गाइस यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि 4 किलोमीटर दूर बची है, और भाई फाइनली एंटर कर चुके हैं मथुरा में। तो गाइस यहाँ से हम जा रहे हैं विश्राम घाट, जो कि है यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है हमें, और काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पे, 24 घंटे ओपन रहता है वो, और रिवर बहती है भाई गंगा। तो यहाँ से हमें चलना पड़ रहा है अपने जो कि हम डेस्टिनेशन जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे विश्राम घाट पे, और यहाँ से थोड़ा ही दूर है, और हम स्कूटी लेके जा तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है वहाँ पार्किंग होगी नहीं होगी, लेकिन हम चल रहे हैं भाई देखते हैं। हमने यहाँ से लोकल अंकल जी थे उनसे पूछा, तो अंकल जी कह रहे हैं आगे एक अच्छा सा मतलब घाट बना रखा है प्रॉपर। और तो भाई अभी आए हैं विश्राम घाट में, और यहाँ पर हो रही है गंगा जी की आरती, आप Thank you.
सो फाइनल गाइस विश्राम घाट एक्सप्लोर कर लिया था और गली को भी देखा और काफ़ी अच्छा वहाँ पे बोटिंग भी कर रहे थे, लेकिन यार बोटिंग का हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से 750 मीटर दूर, जो कि एक कंस किला है, कंस किला एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और वहाँ पे थोड़ा ना बता रहे हैं कि मतलब अच्छा सा व्यू आता है, इसलिए एक बंदा हमारे से गया हुआ है राइडर जो भी ग्रुप में से है। अर्ली इन द मॉर्निंग की ये एक फ़ायदा लगता है क्योंकि भाई जिस रोड पे भी हम चल रहे हैं ना, शाम को या दोपहर में इसमें भाई हम चल भी नहीं पाएंगे। और अभी हम यहाँ से गाड़ी ले जा रहे हैं, इसलिए भाई हमें अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगता है और हम जल्दी जल्दी कवर भी कर लेंगे और टाइम से अपना दिल्ली पहुँच भी जाएंगे। कोई नहीं, सामान संभाल के रखना, बंदर है तो ओ भाई गदर मचा देंगे यहाँ तो। गोप अपना है, चलो चलो सीधे ऊपर चलो ना, एक एक करके चलो, चलो ना आगे चलो, मैं हूँ पीछे यार। तो गाइस यहाँ पे बंदर बहुत है और मुश्किल ना हो जाए, बस कुछ सामान वामान ना खींच ले, ऊपर तो हम चढ़ा लेंगे आराम से और बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऊपर चढ़ाने में। लेकिन यार बंदर काफ़ी है, बहुत ही है, छोटे छोटे क्यूट से बंदर हैं और भाई अपनी बीस तो आराम से चढ़ेगी भाई, आराम से। बंदर बहुत ही है भाई, बहुत हद से ज़्यादा। अगर फ़ोन हाथ में होता ना तो फ़ोन हाथ से छीन के ले आते, लेकिन GoPro लगा हुआ है, माउंट रखा है तो यहाँ पर नहीं ले जाएंगे। चलो भाई चलो। ओ भाई ये डेस्टिनेशन भाई वर्थ रहेगी हमारे लिए। और अभी हम चल रहे हैं भाई कंस का किला, जो कि थोड़ी सी दूर में था और रास्ते में ही भाई मज़ा आ रहा है चलाने में। ओ भाई पहुंच चुके हैं कंस का किला। तो गाइस अभी चल रहे हैं ऊपर और जैसे ही हम निकले थे ना भाई अपने होटल से, तो बज रहे थे 4:30 बज रहे थे और वहाँ रात हो रखी थी। लेकिन भाई अभी हमने एक लोकेशन विश्राम घाट एक्सप्लोर करा और अभी आए हैं हम कंस का किला। और यहाँ आते आते भाई पूरा डे हो गया है और भाई यमुना कैसी दिख रही है देखो, यमुना जी भाई अल्टीमेट, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे देखो यार छोटे छोटे मतलब यहाँ रहते भी होंगे, हाँ रहते ही होंगे भाई, अलग ही। यहाँ से कंस किला भाई देख लिया और काफ़ी अच्छी लोकेशन थी यार, मैं आपको रिकमेंड करूँगा और कि यहाँ आए अगर आप आ रहे हैं तो मथुरा। और हमारा ये सबसे वर्थ इट प्लेस रहा अब तक आने का। और क्या कहाँ दिखाओ